इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखापल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। लोगों की जिंदगी उनका मौलिक अधिकार है, आप उनकी जान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और आपको ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का कोई अंदाजा क्यों नहीं है? आप ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सभी संभावनाओं की तलाश नहीं कर रहे, भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। ऑक्सीजन सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री को दें जो मेडिकल से जुड़े सामान बना रही हैं। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ दिल्ली को नहीं है बल्कि पूरे देश को है, जहां हालात ऐसे हैं कि लोग बेहद गंभीर स्थिति में हैं, जहां लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर सकते हैं। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई को रोका जा सकता है, आपके अधिकारी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम कह रहे हैं कि आप दूसरे विकल्प तलाश नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी सोच गलत है, आपके पास ऐसा करने की ताकत है, कोई उद्योग आपको इससे इनकार नहीं करेगा, आपको ऐसा करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के बीच दिल्ली के कोरोना मीटर की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,638 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना की वजह से 249 मरीजों की जान गई है। राजधानी में इस समय पॉजिटिविटी रेट 31% से ज्यादा है। दिल्ली में एक दिन में 78,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई। 24,600 लोग कोरोना से 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं। इसी बिगड़ते हालात पर आज सीएम केजरीवाल सुबह करीब 11 बजे उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें कोरोना से मुकाबले की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन टैंक लीक मामले में अब तक ये खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिल्ली की खबर आपको बता दें। दिल्ली में एक दिन में 78,768 केसेस की टेस्टिंग हुई है और अब खबर नासिक से, जहां पर महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन टैंक लीक मामले में अब तक 24 मरीजों की जान चली गई है। कल यह आंकड़ा 11 मरीजों का था। मामले में लापरवाही बरतने की बात सामने आने के बाद नासिक पुलिस ने एक्शन लिया है। नासिक ऑक्सीजन टैंक लीक मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जांच के बाद दोषियों के नाम भी इस केस में जोड़े जाएंगे। नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में कल दोपहर ऑक्सीजन टैंक का सॉकेट टूटने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। इसके बाद अब तक 24 मरीजों की जान चली गई, जबकि कई मरीजों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल में 131 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, 15 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, सेफ्टी गियर के साथ लीक हो रही ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की। एक घंटे के बाद गड़बड़ी को ठीक किया गया, लेकिन तब तक मौत अपना तांडव दिखा चुकी थी। उधर सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही राज्य सरकार और महानगर पालिका की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख यानी कुल 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जिम्मेदारी तो अभी फिक्स होगी, लेकिन जो अभी दिन भर 11-11:30 बजे जो घटना हुई उसमें से अभी तक ऐसा निष्कर्ष चल रहा है अभी देखने को कुछ प्रॉब्लम आया, लेकिन उसकी जो उच्च स्तरीय उसकी कमेटी बिठाकर जो भी दोषी होगा उनके ऊपर पूरा वो जांच कमिट में जो भी सच आएगा उससे सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।